अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आपके साथ 35-65 का 9.5 मरले का एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन का एक बहुत ही प्रीशियस घर शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टी गार्डन सेक्टर B17 के ब्लॉक C1 में लोकेटेड करता है। सराउंडिंग में आप प्रॉपर आबादी देख सकते हैं। घर में थोड़ा बहुत काम रहता है, वो अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड पर आपको C1 का मरकज़ मिल जाता है, ठीक है। और इस साइड पर ये घर बना हुआ है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये भी फॉर सेल है। इस गली में 2-3 घर आपको फॉर सेल मिलेंगे। एक ये वाला भी फॉर सेल है, ये वाला, और इसके साथ ये स्पेनिश वाला भी फॉर सेल है। तो सारे हमारे साथ डायरेक्ट है, ठीक है। इस स्ट्रीट में काफ़ी खूबसूरत घर बने हुए हैं, तो जिस किसी को भी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो इस घर की आप प्रॉपर एलिवेशन देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म की एलिवेशन भी है घर की। यहाँ पे बाहर आपको एक गार्डन एरिया मिल जाता है, ठीक है। आप प्रॉपर ये देख सकते हैं, इसको आप जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसका डोर देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन डोर लगा हुआ है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आके आपको एक बड़ा सा कारपोर्ट नज़र आ जाता है, मिल जाता है। आपकी 3 छोटी गाड़ियाँ और 2 बड़ी गाड़ियाँ आपकी आराम से यहाँ पर पार्क हो सकती है। घर का अपना बोर हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पानी भी आया है, और पानी पाइपलाइन जो आया हुआ है उससे मतलब कोई इशू नहीं है आपको मिलता पानी का। ये साइड से भी इसकी एलिवेशन देख सकता है, खूबसूरत किस्म की एलिवेशन भी है, ठीक है। इन्होंने बड़ा प्यारा डिज़ाइन किया वॉल पे, और इस साइड पे आपको वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, कलमा मिल जाता है, ठीक है। कारपोर्ट से आपके 2 एंट्रेंस मिल जाते हैं। ये सामान को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी फिनिशिंग रहती है, अंदर भी थोड़ा सा काम चल रहा है। एक मेन एंट्रेंस आपको मिल जाता है, और एक जो है ड्राइंग रूम का एंट्रेंस मिल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं इसके ड्राइंग रूम की एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम मिल जाता है, प्रीशियस किस्म का ड्राइंग रूम पे इनका जो वॉल डिज़ाइन है ये आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं। खूबसूरत किस्म के लाइट लगी हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और सीलिंग में भी आप प्रॉपर फैन वर्क चेक कर सकते हैं, खूबसूरत किस्म के इन्होंने फैन डिज़ाइन लगाए हुए हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लोज है, आपका टीवी लाउंज से बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। अब चलते हैं इसके टीवी लाउंज की तरफ। तो ये आप प्रॉपर इसका टीवी लाउंज देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म की आपको यहाँ पे सीलिंग मिल जाती है। टीवी लाउंज में एक बहुत ही प्रीशियस किस्म का मल्टीमीडिया फ्रेम मिल जाता है यहाँ पर आपको। लाइट डिज़ाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, खूबसूरत किस्म की लाइट डिज़ाइनिंग में भी है यहाँ पर, ठीक है। 2 फैंस मिल जाते हैं, और ये लाइट मिल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ से आपको ये आपका मेन एंट्रेंस है, ठीक है। मेन एंट्रेंस से आके ही आपको फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको पाउडर वॉशरूम मिल जाता है ड्राइंग रूम के साथ। अब चलते हैं इसके किचन की तरफ। ये आप प्रॉपर इसका किचन देख सकते हैं, कूलर डूला ओपन किया, मतलब बिल्कुल स्पेशियस किचन मिल जाता है, ठीक है। वुडन क्वालिटी आप देख सकते हैं, शीट वर्क इन्होंने जो लगाए हुए हैं ZR की कंपनी के, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये पंपिंग डिज़ाइन इन्होंने लगाए हुए हैं, इससे ये फ़ायदा है कि आप अगर ये बंद करना चाहते हैं तो ज़्यादा ज़ोर से बंद नहीं होगा ये। इस साइड पे अपना इलेक्ट्रिक हुड बहुत ही खूबसूरत किस्म का लगा हुआ है, अपने लाइट उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर चूल्हा रहता है तो वो भी ये लगाएंगे, और मतलब कि आपको 3 साइड अलमारी मिल जाती है किचन में, ठीक है। किचन की आप प्रॉपर सीलिंग देख सकते हैं, और यहाँ से आपको वेंटिलेशन मिल जाता है। ये इसका अपना शैंक हो गया। अब चलते हैं इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम की तरफ। टोटल एकोमोडेशन की बात की जाए तो 4 बेडरूम्स और 2 क्लोज ड्राइंग रूम आपको मिल जाते हैं, मतलब 6 रूम्स आपको मिल जाते हैं। ये इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम हो गया, प्रॉपर खूबसूरत किस्म की इन्होंने पेपर वॉल पेपर लगाए हुए हैं, और इस साइड पर आपको ट्रिपल डोर अलमारी मिल जाती है, ठीक है। किसी चीज़ पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, चाहे वो डोर क्वालिटी हो, अलमारी क्वालिटी हो, कबर्ड्स, ठीक है, शीट्स हो, या प्रॉपर देख सकते हैं। और ये वुडन आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, और क्वालिटी बहुत बेस्ट क्वालिटी है। टाइल वर्क चेक कर सकते हैं, टाइल कम्बिनेशन देख सकते हैं। बाहर आपको गोल्डन एंड ब्लैक मिल जाती है टीवी लाउंज, और रूम में आपको जो है वाइट कलर की टाइल्स मिल जाती है, वाइट एंड गोल्डन, ठीक है। इसके साथ अटैच बाथरूम हो गया, या प्रॉपर इसका बाथरूम देख सकते हैं, खूबसूरत किस्म का आपको बाथरूम मिल जाता है। टाइल आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक जो है टाइल लगाए हुए हैं, ठीक है। वो अक्सर नहाने के बाद वो पानी जो है आपका वॉल पे आ जाता है, ठीक है, तो उससे आपका वॉल जो है बिल्कुल सिक्योर रहेगा टाइल से। ये आप देख सकते हैं शावर,
बहुत ही खूबसूरत शावर लगाया हुआ है इन्होंने, किसी चीज़ में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे वो सैनिटरी का सामान हो, टाइल वर्क्स हो और कंस्ट्रक्शन हो। यहाँ पे आप मिरर देख सकते हैं, मिरर मिल जाता है इसके साथ, ये शैंक हो गया, शैंक में आपको कबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है, वीडियो तो को एंड तक देखिएगा। टोटल कीमत की बात की जाए तो 4,30,00,000 इस घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल में मौके पर कमी पेशी हो जाएगी। ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है, इसमें भी आपको ट्रिपल डोर अलमारी मिल जाती है, ठीक है। प्रॉपर सीलिंग वर्क देख सकता है, यहाँ पे वॉलपेपर प्यारा सा इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। इस साइड पे आपको इसके साथ अटैच बाथ मिल जाता है। मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने जो मिरर लगाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत किस्म का है। इसके साथ आपको शैक मिल जाता है, यह प्रॉपर देख सकते हैं। उसी तरह का शॉवर यहाँ पे भी लगा हुआ है। कंप्लीशन इन्होंने बहुत खूबसूरत की है, यहाँ पे जो टाइल है बिल्कुल एंड तक इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है इसके साथ, ये बाहर लॉन्ड्री एरिया का एक्सेस मिल जाता है इस रूम से आपको, ठीक है। या प्रॉपर इसकी लॉन्ड्री एरिया चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको बड़ी खुली डुली लॉन्ड्री एरिया मिल जाती है, वो सामने ही मरकज़ है, ठीक है। इसकी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है मैं, और आप जैसे जो है स्ट्रीट से निकलते हैं तो आपका मरकज़ आ जाता है। AC1 का बहुत बड़ा मरकज़ है। ये इन्होंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के जो है माशाल्लाह से अलमारी बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। सीलिंग बहुत खूबसूरत की है, ठीक है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ से डोर बंद है, बंदा काम कर रहा है, तो हम बाहर से निकलते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये काम ग्रिल का काम रहता है, थोड़ी सी फिनिशिंग रहती है, 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक खूबसूरत से लाइट्स मिल जाते हैं, मैंने फ़िलहाल ऑन नहीं किया, ठीक है। ये थोड़ा सा पेंट शेंट का काम रहता है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोर में आके ही आपको यहाँ से एक बाहर जो है गैलरी का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको रूफटॉप का एक्सेस मिल जाता है, और इस साइड से आपको मेन एंट्रेंस का एक्सेस मिल जाता है टीवी लाउंज का। अब चलते हैं गैलरी की तरफ, एक बहुत ही खूबसूरत बड़ी गैलरी आपको मिल जाती है, ठीक है। बिल्कुल मतलब वो पर्दे वाली गैलरी है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेम बिल्कुल इन्होंने बहुत प्यारा लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको प्रॉपर स्ट्रीट मिल जाता है, स्ट्रीट व्यू ये आप देख सकते हैं। इस साइड से आपको ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम यहाँ पे भी आपका सेपरेट है, टीवी लाउंज से भी एक्सेस है ड्राइंग रूम का, और यहाँ से भी आपको एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है वैसे ही ऊपर भी घर बना हुआ है, कोई फर्क नहीं है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक खूबसूरत व्यू की वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है स्ट्रीट व्यू की, ठीक है। और इस साइड पे खूबसूरत लाइट लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये आपका सीलिंग हो गया। अब चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ, ये यहाँ पे भी आपको एक बड़ा सा खूबसूरत मल्टीमीडिया फ्रेम मिल जाता है, इसकी प्रॉपर आप सीलिंग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम हुआ है घर में, ठीक है। और सेम नीचे भी मेन एंट्रेंस पे आके आपको किचन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको सेम इसकी आप डोर देख सकते हैं, ग्लास डोर यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन के लिए। सेम एज इट इज़ वैसे ही किचन बना हुआ है, 3-sided अलमारी आपको मिल जाती है किचन में ऊपर नीचे, ठीक है। और इस साइड पे इलेक्ट्रिक हुड इन्होंने फिलहाल लगाया नहीं है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो 2-3 दिन की फिनिशिंग रहती है, 2-3 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा घर, ठीक है। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, नीचे से भी सेम ऐसी वेंटिलेशन था। और इस साइड पे आपको 2 rooms मिल जाते हैं, ये 3rd bedroom हो गया, 2 ड्राइंग रूम और 4th bedroom है, टोटल 6 rooms है। सेम एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है वैसे ये भी बना हुआ है। यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है खूबसूरत सा, ट्रिपल डोर अलमारी मिल जाती है, और अटैच बाथ सेम एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है वैसे ही आप देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत प्यारी की हुई है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन की हुई है इन्होंने, ये आप चेक कर सकते हैं।
अब चलते हैं ये फोर्थ बेडरूम की तरफ। ये आपको फोर्थ बेडरूम मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ नीचे लॉन्ड्री एरिया का एक्सेस था, यहाँ बैक स्ट्रीट का एक्सेस है। जिसको भी नहीं पता तो 10 मरला के घर में फ्रंट ओपन और बैक ओपन छोड़ा जाता है, ठीक है, मैप में। इसके साथ ये अटैच बात हो गया। ये शैंक हो गया, वेंटिलेशन विंडो और बाहर स्ट्रीट के लिए एक्सेस। C1 का जो ये लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। प्लॉट बिल्कुल सॉलिड प्लॉट पे घर बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको पार्क मिल जाता है। ये घर की उस साइड पे आप देख सकते हैं, इन घरों के पीछे पार्क है, ठीक है। और ये C1 का मरकज़ है। अच्छा, प्लॉट का अंदाज़ा आप इधर से लगा सकते हैं। ये देखिए कटिंग की हुई है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल कटिंग की है इन्होंने, बिल्कुल सॉलिड प्लॉट है, ठीक है। अब चलते हैं इसके टॉप फ्लोर की तरफ, रूफ टॉप की तरफ। घर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे भी आपको ग्लास डोर मिल जाता है। अब चलते हैं टॉप फ्लोर की तरफ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और ये इसका रूफ टॉप बिल्कुल ओपन है। इसके साथ आपको मॉन्टी मिल जाती है। ये मॉन्टी प्रॉपर, अच्छा, हर घर में आपको ऐसी मॉन्टी नजर नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही कमतर लोग होते हैं जो ऐसी मॉन्टी बनाते हैं। इसमें आपको अलमारी मिल जाती है, प्यारा सा फैन लगा हुआ है, आपका एक छोटा सा किचन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अटैच बाथरूम मिल जाता है, ठीक है। मतलब क्या आप ये सर्वेंट रूम बना सकते हैं, इसको आप प्रॉपर सर्वेंट रूम बना सकते हैं, गार्ड रूम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ आपको प्रॉपर अपनी टैंकी नज़र आ जाती है। अच्छा, बहुत से घरों में ऐसी टैंकी आपको बहुत कम तर नज़र आएगी, बहुत से घरों में आपको वॉल टैंकी नज़र आएगी जो प्लास्टिक की होती है। ये वाइट कलर आपको नज़र आ रही है। आजकल हर घर में जो है लोग वही टैंकी लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ये काफ़ी बेहतर है। एक तो गर्मी में वो हीट भी करती है, ठीक है, पानी उसमें बड़ा हीट होता है, इसमें आपका पानी जो है बिल्कुल ठंडा रहता है, ठीक है। और ये इस साइड से आप प्रॉपर देख सकते हैं मरकज़। अच्छा, उस साइड से मैं दिखाता हूँ, चलो। ये आपका बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मरकज़ है। ये दो, एक ये घर बना हुआ बन रहा है साथ में, और दो प्लाट चौर के फिर आपका मरकज़ आ जाता है, C1 का मेन मरकज़, ठीक है। मरकज़ की उस साइड पे मेन डबल रोड है C1 का, तो इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। बाकी डिमांड की बात की जाए तो काफ़ी रीज़नेबल है, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो एक्चुअल रेट यहाँ पे चल रहा है वो यही है, 225, 230, 235, 240। अब इस घर की मैंने वीडियो बनाई थी, ये 250 डिमांड था, ठीक है। इसी तरह ये घर फॉर सेल है, ठीक है। और इसके साथ वो येलो कलर अगर आपको नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वो वाला भी फॉर सेल है, ठीक है। और इस गली में तकरीबन घर जो है वो हमारे साथ बिल्कुल डायरेक्ट है। जिस भाई को भी चाहिए वो अभी हमसे रब्ता करें। बहुत ही आइडियल खूबसूरत लोकेशन का है। बाकी जिस किसी को भी घर पसंद आया और जिस किसी ने भी विज़िट करना है, विज़िट के लिए आना है, तो अभी मेरे नंबर पे रब्ता करें। मेरा नंबर वीडियो में नीचे मेंशन है। और इसी तरह मोर इंटरेस्टेड और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।